शिक्षार्थियों, आशा है आप सभी इस कोविड काल में कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं उपेंद्र नाथ तिवारी, प्रवक्ता शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज शिक्षा शास्त्र विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा स्नातक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के चौथे खंड वैश्वीकरण और शिक्षा 13वीं इकाई राज्य और शिक्षा में राज्य के संप्रत्यय और राज्य के प्रकार तथा उसका शिक्षा से संबंध पर चर्चा की जाएगी। राज्य शब्द सुनते ही एक मन में सहसा स्वाभाविक रूप से विचार उत्पन्न होता है कि राज्य एक बड़े भूभाग में फैला होगा, राज्य में कुछ मनुष्यों का समुदाय भी रहता होगा, स्वतंत्रता पूर्वक रहता होगा और वहाँ पर एक सरकार भी होगी जो उनकी सुरक्षा करती होगी। इतना मन में हमारे स्वाभाविक रूप से आता है, जो लगभग सही है। इसको यदि क्रमबद्ध रूप से कहा जाए तो राज्य कम या अधिक मनुष्यों का समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है तथा उसकी एक सुसंगठित सरकार होती है और वह आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र है। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। मानव के सभी प्रकार के विकास राज्य में ही संभव है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो शैक्षिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे वो धार्मिक विकास हो, चाहे वो वैज्ञानिक विकास हो, सभी प्रकार के विकास राज्य में ही संभव है। राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की आधारशिला रखता है। राज्य के संबंध में गार्नर महोदय का कहना है कि राज्य व्यक्तियों के उस अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय या संगठन को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो, जो बाह्य नियंत्रण से पूर्ण अथवा प्रायः स्वतंत्र हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश जनता स्वाभाविक रूप से करती हो। इस संबंध में फिलिमोर महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका विचार है कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो अस्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग में निवास करता हो, जो सामान्य कानून, रीति रिवाज तथा परंपरा से एक राजनीतिक संगठन में बंधा हो और जो एक संगठित शासन द्वारा उस प्रदेश के समस्त व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर स्वतंत्रता अथवा प्रभुत्व द्वारा नियंत्रण करता हो और जो युद्ध करने, शांति की स्थापना करने तथा विश्व के राष्ट्रों के साथ सब प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता हो। दोनों विद्वानों के विचारों से स्पष्ट है कि राज्य को परिभाषित करने के लिए चार तत्व आवश्यक हैं। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
दूसरा है निश्चित भूभाग किसी भी राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, और तीसरा है संप्रभुता से तात्पर्य है कोई भी सरकार अपनी सीमा के अंदर कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य से ऊपर नहीं है। चौथा है सरकार किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए उसके विकास के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। अब हम राज्य के प्रकार और उसका शिक्षा से संबंध पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से लेकर अब तक हम राज्य के विकास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि राज्य के स्वरूप और प्रणाली में समय समय पर काफ़ी भिन्नता रही है, जिस कारण राज्य के अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसमें प्रमुख रूप है राजतंत्र, दूसरा जनतंत्र और तीसरा मार्क्सवादी या समाजवादी राज्य। अरस्तु ने सत्ता के आधार पर तीन प्रकार के राज्य का वर्णन किया है। पहला है एकतंत्र, दूसरा है अल्पतंत्र या कुलीन तंत्र, और तीसरा है जनतंत्र। पहला राजतंत्रात्मक राज्य और शिक्षा। राजतंत्रात्मक राज्य में शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वह वंशानुगत रूप से वह शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं, इसलिए राजा का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि राज्य के शैक्षिक नीतियों के निर्माण एवं निर्धारण में वह कोई त्रुटि ना करे। शैक्षिक नीतियों का निर्माण एवं निर्धारण ठीक प्रकार से कर सके। यदि राजा अशिक्षित है तो निश्चित रूप से गलतियां होने की संभावना रहती है, जिससे राज्य का विकास अवरुद्ध हो सकता है। वहाँ की जनता जब अशिक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से राज्य का विकास प्रभावित होगा, इसलिए राजा का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है प्रजातंत्र, प्रजातंत्रात्मक राज्य। प्रजातंत्रात्मक राज्य में सत्ता की डोर जनता के हाथों में होती है, जनता अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनकर कुछ निश्चित समय के लिए सत्ता सौंपती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजतंत्रात्मक राज्य में तो राजा का शिक्षित होना आवश्यक है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्य में जनता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जनता यदि शिक्षित होगी तो वह जाति धर्म से ऊपर उठकर सही प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। यदि जनता अशिक्षित है तो वह गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है, जिससे कि राज्य के शैक्षिक नीति निर्धारण में त्रुटियां हो सकती हैं और राज्य का विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जनता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा है मार्क्सवादी राज्य। मार्क्सवादी राज्य में या समाजवादी राज्य में सारी शक्तियाँ सर्वहारा समाज या श्रमिक समाज के हाथों में होती है। मार्क्सवादी राज्य या समाजवादी राज्य से तात्पर्य उन राज्यों से है जहाँ पर शासन का अधिकार सर्वहारा समाज या श्रमिक समाज के पास होती है, उनके हाथों में होती है। समाजवादी राज्य में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है ताकि सर्वहारा या श्रमिक समाज शिक्षित हो सके और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है, राज्य एक सुसंगठित समुदाय है जो अपने भूभाग के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से शासन करता है, जो अपने भूभाग के सभी नागरिकों पर नियंत्रण रखता है। वह आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। राज्य के निवासी अपने राज्य के आदेश का पालन करते हैं। अरस्तु ने राज्य के तीन रूप बताए हैं, राजतंत्र, अल्पतंत्र और जनतंत्र। वर्तमान समय में जनतंत्र और मार्क्सवादी राज्य या समाजवादी राज्य ही देखने को मिलते हैं। इन राज्यों में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार यहीं पर यह चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।